मामला और 14 सितंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तिजारा थाना इलाके में 5 से 6 युवकों ने रेप किया था और भांजे के साथ हरियाणा से लौट रही थी महिला। युवकों ने भांजे को मारपीट कर बंधक बनाया। आरोपी युवकों ने पीड़ित का अश्लील वीडियो भी बनाया। मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी युवकों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर, खिलौनी वारदात को अंजाम दिया गया। 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, युवकों ने भांजे को मारपीट करके बंधक बनाया। खिलौनी वारदात को अंजाम दिया गया। एक 45 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप। 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और 2 आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। भांजे के साथ हरियाणा से लौट रही थी महिला। सुरेंद्र हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। सुरेंद्र, क्या जानकारी और कब तक पकड़े जाएंगे ये आरोपी? देखिए नलिनी, सबसे पहले बता दूं आपको कि एक बार फिर से थाना गाजी की घटना के बाद में जो क्षेत्र है वो शर्मसार हुआ है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये बड़ी घटना है और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये 14 तारीख का बताया जा रहा है, जिसमें ये जो पीड़िता है अपने भांजे के साथ में, अपने रिश्तेदार के साथ में, किसी अपने रिश्तेदार को पैसा देकर वापस लौट रही थी। और इसमें रास्ते में आते हुए देख कुछ जो लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद ये मामला दर्ज हुआ है, वो लोग रास्ते में मिल जाते हैं और इन्होंने जबरदस्ती इन दोनों को बंधक बनाया। और बंधक बनाए जाने के बाद में महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जो भांजा था साथ में उससे भी दुष्कर्म कराया और इसने का वीडियो बनाया। लेकिन ये तो इतने अपराधी इतने शातिर थे कि जब इन्होंने खुद दुष्कर्म किया तो वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब पीड़िता के भांजे से इन्होंने जबरदस्ती दुष्कर्म कराया तो उसका वीडियो इन्होंने बनाया। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो पीड़िता का भांजा है उसके साथ दुष्कर्म करते हुए उस वीडियो को वायरल किया है, जिसको मामला जब दर्ज हुआ थाने में तो जो तिजारा पुलिस है उसने आरोपियों को गिरफ्तार किया है हरियाणा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।